एवरीवन, दिस साइड रोहित राठौर एंड यू आर वाचिंग अपनी कक्षा फॉर कॉमर्स। अगर आपने स्टाफिंग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसकी लिंक ऊपर ब्लिंक हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट है तभी आपको इस चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आएगा। फाइनली सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हम आज देखने वाले कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट बेसिकली होता क्या है, हमें एक बार वो फिर इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। जो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, इसमें ये पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए बोला जाता है कि इसमें किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता। रिक्रूटमेंट जो होती है प्रोसेस में किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं किया जाता है। इसमें एक पूल ऑफ कैंडिडेट बनाया जाता है टू सेलेक्ट बेस्ट आउट ऑफ देम। हमें बहुत सारे कैंडिडेट को इनकरेज करते हैं हमारी जॉब वेकेंट जॉब के लिए जो अप्लाई करने के लिए, उसमें हम एक बहुत बड़ा पूल बना लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज करते हैं ताकि हमारे पास एक वैरायटी ऑफ चॉइस हो जाए, हम उसमें सबसे बेस्ट कैंडिडेट हमारी उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर पाए। वही जो फाइनल होता है, एक जो वैकेंट जॉब होती है उसके प्रोस्पेक्टिव को लेके हमें किस टाइप की स्किल्स चाहिए, उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट के अंदर कौन सी स्किल्स चाहिए, सारी चीज देखी जाती है। चीजों के बेसिस पे एक एप्लीकेशन निकाली जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके लिए अप्लाई करें और हम उसमें से सबसे बेस्ट सेलेक्ट कर पाए। हमने देखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन पहले ये इंश्योर करता है कि हमें किस सोर्स से रिक्रूट करना है। तो रिक्रूटमेंट के दो मेन सोर्सेज होते हैं, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। फिलहाल हम इंटरनल सोर्स की बात करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो इंटरनल सोर्स की अगर बात करें तो इसके भी दो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, प्रमोशन एक ट्रांसफर। सो अब इंटरनल सोर्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फाइनली इंटरनल सोर्स का थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इंटरनल सोर्स होता है यूज ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज और ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम उन एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज हैं उन्हें ही या तो हम ट्रांसफर करेंगे या उन्हीं का प्रमोशन कर देंगे हमारी वैकेंट जो पोस्ट है, जो वैकेंसीज है उन्हें फिल करने के लिए। तो जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन्हें ही यूज करके अगर हमारे काम हो रहा है तो हम उसे इंटरनल सोर्स बोलेंगे। इंटरनल सोर्स में प्रमोशन होता है, ट्रांसफर होता है। प्रमोशन और ट्रांसफर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन से आप प्रमोशन टर्म आप लोगों को पहले से पता होगी, एक वर्टिकल शिफ्टिंग होती है एम्प्लॉयज की, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट करना, किसी भी पर्टिकुलर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसका प्रमोशन कर देना, जो भी अपर लेवल की जो भी पोस्ट वैकेंट है उसको वहां पे शिफ्ट कर देना, उसको वहां प्रमोट कर देना, उसका प्रमोशन कर देना। प्रमोशन से क्या होता है, इसमें लोअर लेवल से हायर पोजीशन पे किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को, सुटेबल कैंडिडेट को पोस्ट कर दिया जाता है। इसमें हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है। जब वो हायर पोस्ट पे होगा तो ऑब्वियसली हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, अच्छा पेमेंट होगी, अच्छा स्टेटस होगा उसका जो भी एम्प्लॉयज प्रमोट करा गया है। फाइनली जो सेकेंड टर्म होती है ट्रांसफर। ट्रांसफर आप लोगों को पता होगा हॉरिजॉन्टल, इस टर्म से भी आप लोगों को काफी अच्छे से पता होगा हॉरिजॉन्टल मूव होता है, मतलब इस टाइप से शिफ्टमेंट होती है। इसमें या तो वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट में या फिर वन जॉब से अनदर जॉब में एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। आपने कई बार सुना होगा जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं इनके ट्रांसफर होते रहते हैं, बैंकिंग में जो इम्प्लॉयज होते हैं इनके ट्रांसफर होते हैं। सो इनका एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सुटेबल कैंडिडेट का ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना होता है कि जहां उनका ट्रांसफर हो रहा है वो जॉब उनके लिए बेस्ट सुटेबल होगी, वो उस जॉब को करने के लिए कैपेबल होंगे। अगर वो उस जॉब को करने में कैपेबल नहीं है तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा। जो बेस्ट सुटेबल एम्प्लॉय होगा उसी का ट्रांसफर और उसी का प्रमोशन करा जाए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना होगा। अब बिजनेस स्टडीज पढ़े हो और किसी चीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फाइनली मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स। अगर आप इंटरनल सोर्स से रिक्रूट कर रहे हैं तो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, तो पहले मेरिट्स देखेंगे। तो मेरिट्स में आपको पहले हाई मोटिवेशनल लेवल देखने को मिलेगा, क्या एम्प्लॉयज को अच्छा खासा मोटिवेशन लेवल देखने को मिलेगा। तो एम्प्लॉयर सोचेगा अगर मैं अच्छा वर्क करूंगा, मैं अपने आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा, अपने सारे टास्क फुलफिल करूंगा तो मेरा प्रमोशन होना पक्का है या ट्रांसफर होना पक्का है। सेकेंड होता है एक सिंपल प्रोसेस होती है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा कुछ फैसिलिटीज का सामना नहीं करना पड़ता। ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज उनमें से बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज करके प्रमोट या ट्रांसफर करना होता है। पॉइंट नंबर 3, डेवलप फ्यूचर मैनेजर्स। भैया आप इसमें फ्यूचर मैनेजर्स कैसे डेवलप होंगे, जब इम्प्लॉय काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ये सोचता है अगर मैं अच्छी स्किल्स एक्वायर करूंगा, अच्छा नॉलेज लूंगा, अपने आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा तो वो फ्यूचर में जाके एक मैनेजर बन सकता है। तो वो अपने आप को उस तरीके से अपने आप को डालने लग जाता है, अपने आप की स्किल्स इंप्रूव करने लग जाता है। तो इसी टाइप से वो एक फ्यूचर मैनेजर बनने की पूरी प्रोसेस में लग जाता है, वो अपने आप को एक अच्छा फ्यूचर मैनेजर बनाने की पूरी कोशिश करता है। पॉइंट नंबर 4, नो नीड ऑफ इंडक्शन। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है तो उनके लिए इंडक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी। इंडक्शन आप लोगों को पता होगा, जो नए एम्प्लॉयज होते हैं उनको फेमिलियर करवाने के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम कराया जाता है।
तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है तो इनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम की जरूरत नहीं होगी। नो ओवर एंड अंडर स्टाफिंग, अब इसमें ओवर और अंडर स्टाफिंग का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप अगर इंटरनल सोर्स की तरफ जाते हैं तो आपको ज्यादा रिक्रूट करने की कोई जरूरत नहीं है बाहर से, ओवर स्टाफिंग का आपको खतरा कम हो जाएगा, आपको अंडर स्टाफिंग यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम वर्कफोर्स का भी खतरा कम हो जाएगा क्योंकि आपके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, आप उन्हीं का ट्रांसफर करोगे, उन्हीं का प्रमोशन करोगे। लास्ट पॉइंट इकोनॉमिकल, ये प्रोसेस पूरी बहुत इकोनॉमिकल होती है क्योंकि जब रिक्रूट करना होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो काफी खर्चा आता है उन्हें, पूरी जो भी वेकेंट पोस्ट होती है उसका एनालाइज, फिर बेस्ट कैंडिडेट को चूज करने से उसकी पोस्टिंग, इंडक्शन, इन सारी प्रोसेस में काफी खर्चा होता है। पर इंटरनल सोर्स के लिए जाते हैं तो इसमें बहुत इकोनॉमिकल प्रोसेस होती है, इसमें काफी कम खर्चा होता है ऑर्गेनाइजेशन का। फाइनली डीमेरिट्स देखते हैं, डीमेरिट्स में लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को अगर आप प्रमोट करोगे तो आपके पास फ्रेश टैलेंट नहीं होगा, वही लोग जो आप पहले से देख रहे हैं पिछले 10 साल से 5 साल से आपके पास काम कर रहे हैं, वही ओल्ड माइंडसेट, वही ओल्ड टैलेंट से वो काम करेंगे, तो आपके पास लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट रहेगा। यहाँ पर डिक्रीज इन एंथुसियाज्म लेवल, नेक्स्ट पॉइंट एंथुसियाज्म लेवल मतलब एक काम करने की जो अर्ज होती है एम्प्लॉयज का, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर 2 साल में अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट करता है तो एम्प्लॉयज अंदर, एम्प्लॉय अंदर से ऐसा हो जाएगा उसके अंदर काम करने की कोई अर्ज नहीं होगी यार, वो काम करना ही नहीं चाहेगा क्योंकि उसे पता है हर 2 साल में मेरा प्रमोशन पक्का है तो वो काम नहीं कर पाएगा, उसका एंथुसियाज्म लेवल बहुत कम हो जाएगा। नंबर 3, नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन अभी सेटअप हुआ जिसके पास अपना कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है ही नहीं उसके लिए सुटेबल नहीं है। नंबर 4, लैक ऑफ कंपटीशन, इसमें जब एम्प्लॉयज को पता है कि एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद मेरा ट्रांसफर या फिर मेरा प्रमोशन होना पक्का है तो एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे का अपना बेस्ट नहीं देंगे, तो यहाँ पर इसी कारण से जब वो अपना 100% नहीं देंगे यहाँ पर तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी और उनकी प्रोडक्टिविटी के कारण जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो भी डाउन हो जाएगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव नहीं कर पाएगा टाइम पे और टोटल प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। लास्ट पॉइंट है लिमिटेड चॉइस, जैसे आपके पास सिर्फ 25 एम्प्लॉयज है उन्हीं में से एक पर्टिकुलर चॉइस आपके पास रहेगी, अगर आप एक्सटर्नल सोर्स के पास के साथ जाते तो आपके पास शायद ज्यादा वाइडर चॉइस होती है, इसमें लिमिटेड चॉइस होती है ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सूटेबल कैंडिडेट ढूंढने की। अब फाइनली जो सेकेंड टर्म होती है जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स वो होते हैं सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आप इम्प्लॉयज ला रहे हैं यानी आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का यूज ना करके आप बाहर से जब रिक्रूट कर रहे हैं तो उसे एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, और एक्सटर्नल सोर्स में कई मेनी सोर्सेज होते हैं, हम एक एक करके सारे सोर्स डिस्कस करेंगे, तो कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद और भी है वो हम और आगे डिस्कस करेंगे। पहला होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर आपको कोई जॉब वेकेंट है तो उसके रिगार्डिंग आप एक नोटिस निकालेंगे, नोटिस आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लगाएंगे, गेट लगाएंगे कहीं भी, वहीं से जो रिक्रूट होते हैं वहीं से जो नोटिस देख के आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। अब बात आती है कैजुअल कॉलर्स, भैया ये कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, कैजुअल कॉलर्स वो होते हैं अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम मान लो 2 महीने पहले जो वैकेंसीज निकली थी उसमें कुछ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था उसमें से उनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ रखता है, जो पुराने एप्लीकेंट्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स, उनके रेज्यूमे वगैरह ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ रखता है, तो उनमें से कुछ रैंडम जो बेस्ट पॉसिबल उस जॉब को फिल करने में जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसे कैजुअली कॉल किया जाता है, जो ओल्ड एप्लीकेंट होते हैं, इससे भी रिक्रूटमेंट होता है। थर्ड होता है एक एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट से आप सब लोग फैमिलियर है, एडवर्टीजमेंट किसी भी टाइप से जो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा आवश्यकता है या फिर हमें चाहिए ये वगैरह, इस टाइप से एडवर्टीजमेंट चाहे वो न्यूज़पेपर में हो चाहे टीवी में हो रेडियो के थ्रू हो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू होता है। वहीं जो फोर्थ होता है वो कैंपस रिक्रूटमेंट, अब कैंपस रिक्रूटमेंट की बात आती है जिसके लिए आप लोग इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब आपका कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो जाना यानी कि एक कैंपस से रिक्रूट हो जाना, इसमें यूजुअली ज्यादातर फ्रेशर्स होते हैं जो कॉलेज से डायरेक्ट कंपनीज आती है रिक्रूट करती है बच्चों को अपने जॉब वैकेंसीज के अनुसार, उनके पास क्या टैलेंट चाहिए उन्हें मिनिमम रिक्वायरमेंट के अनुसार, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें वो रिक्रूट करती है। भाई जो फिफ्थ है वो वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग यानी डिजिटल जमाना होता जा रहा है, यहाँ पे वेब पब्लिशिंग यानी जो वेबसाइट्स होती है, कई सारी वेबसाइट्स है जैसे naukri.com आपके साथ इंटर्न शाला होगी, ऐसी कई सारी वेबसाइट है, ढेरों वेबसाइट है जहां से आप ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिक्रूट करते हैं, आपने जो पोस्ट होती है जो भी वैकेंसीज होती है वो उन पे पोस्ट करवाती है उन वेबसाइट्स के थ्रू, जो जो जॉब सीकर्स होते हैं वो उन वेबसाइट्स के थ्रू उन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। वही जो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है वो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो रिकमेंड कर दे या तो चाहे वो उसका फ्रेंड हो चाहे रिलेटिव हो या उसका फैमिली मेंबर्स हो, इस टाइप के रिकमेंडेशन से भी एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं, ये बड़ी बड़ी एमएनसीज में भी होता है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में चीजें काम करती है। यहाँ पे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं चाहे फैमिली मेंबर हो,
ये रिकमेंडेशन पे काम करती है। अगर आपके पास कोई जॉब वैकेंट है और आप अपने बॉस को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ये रिकमेंड कर दें कि यार हमारे जो फैमिली मेंबर्स है वो इस जॉब के लिए बेस्ट सूटेबल होगा, इसमें उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी एम्प्लॉयज रिकमेंड कर रहा है किसी भी बंदे को वो फुलफिल करना चाहिए सारी रिक्वायरमेंट, उसके बाद ही उसे जॉब के लिए हायर किया जाता है। फाइनली कुछ रिमेनिंग सोर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं कुछ जो गवर्नमेंट करवाती है, इनमें कुछ लिंक्स के थ्रू आप कुछ वेबसाइट्स पे आपको रजिस्टर करना होता है। इसमें गवर्नमेंट एक इंटरमीडिएटरी का रोल करती है एक ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्लॉयज के बीच में। इसमें मेनली अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स यानी इम्प्लॉयज के लिए होता है, जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होती, जिनके पास बहुत कम स्किल्स होती है उनके लिए ये चीजें ज्यादा काम करती है। वहीं सेकेंड जो होता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, एक थर्ड पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे रिक्रूट करता है, सारी प्रोसेस करता है और बेस्ट कैंडिडेट चुन के लाता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन खुद कुछ नहीं करती, इसमें एक थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है कि हमें ऐसे पर्टिकुलर इस वैकेंसी के लिए इस इन रिक्वायरमेंट्स के साथ एक कैंडिडेट चाहिए, तो एक थर्ड पार्टी होती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ये सारे काम करके उन्हें कैंडिडेट एक बेस्ट पॉसिबल अच्छा कैंडिडेट ला के दे देती है। और एक फाइनल होता है लेबर कॉन्ट्रेक्टर। लेबर कॉन्ट्रेक्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं जो ठेकेदार होते हैं, आप एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो जो ठेकेदार होता है वही लेबर कॉन्ट्रेक्टर कहा जाता है। उसमें वो जो लेबर होते हैं अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जो फार्म में काम करने के लिए किसी भी टाइप के बिल्डिंग को बनाना है आपको, तो जो जुड़ाई वगैरह ये सारे कामों के लिए जो ठेकेदार होता है वो इन लेबर्स के कॉन्टेक्ट में रहता है। तो लेबर से कॉन्टेक्ट और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्हें हायर करना चाहती है उनके बीच में जो कॉन्ट्रेक्टर होता है यानी ठेकेदार आप जिसे बोल सकते हैं, इसके थ्रू भी कई लोग हायर होते हैं। तो ये सारी प्रोसेस एक एक्सटर्नल सोर्सेज में आती है। अब आगे इसके क्या मेरिट्स क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स से हायर करने के देखते हैं।